सोचने में ऐसा लगता है कि भाई ओवरसाइज लोड उठाया है इसका, मतलब पैसा भी अच्छा बनता होगा। ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हो ना तो एक बार टग टेस्ट जरूर करो। इतनी ज्यादा गर्मी है ना आज पूरी, मेरे को तो चक्कर आ रहे थे, मैंने सोचा कि यार। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों, मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। तो वो रहा हमारा ट्रक पीछे पहाड़ी के, और अभी हम जा रहे हैं विस्कॉन्सिन में। विस्कॉन्सिन यूएसए की स्टेट है, सिटी का नाम मिनो मोनी ऐसे है कुछ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है नाम, पर हमें विंडसर वाला बॉर्डर क्रॉस करना है। तो टोटल यहाँ से 1300 किलोमीटर की ड्राइव है, ये रहा हमारा ट्रक। तो यहाँ से खाली लेके जाना है विंडसर तक, 300-350 किलोमीटर हमें खाली लेके जाना है, और उससे वहाँ से हमें लोड उठाना है। और जो लोडर ट्रेलर है वो है हमारा ओवरसाइज, तो वहाँ से ओवरसाइज लोड उठाएंगे। मुझे दिख नहीं रहा उधर से, सूरज पड़ रहा है आँखों में। और वहाँ पे किसी और भाई ने लोड करके रखा है ओवरसाइज लोड को, तो वो वाला हमें उठाना है, उसके साथ स्विच करना है। और इसकी लोड की डिलीवरी हमारी कल है 11:30 बजे, और अभी टाइम हो चुका है 8:30 सुबह के। तो मेरी कोशिश थी कि 8 बजे निकल जाएंगे, पर फिर भी 8:30 हो गए निकलते निकलते। आपको पता ही है अगर एक बार रोड को आ जाए तो फिर टाइम लग ही जाता है ट्रक में आके। हाँ जी, तो यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से लेनी है हमें राइट, और आगे जाके हम हाईवे में मर्ज हो जाएंगे। इधर से कोई नहीं आ रहा तो राइट ले सकते हैं हम। ट्रक होता है ना तो ऊपर से घुमा के लेके आना पड़ता है। देखो आप खंबे के कितना करीब आ गए थे हम। जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऐसे ऐसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू शुरू में होता है कि यार पता नहीं आएगा या नहीं, हम ऊपर से पूरा घुमा के लेके आते हैं, और पर इतना ज़्यादा ऊपर किसे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आ जाता है हमारा ट्रक। तो वहाँ से हमें फिर से लेफ्ट लेनी है और हाईवे में मर्ज हो जाएंगे हम। जो ये वाला रोड है ना, काथरा रोड है जो सामने आ रहा है, यहाँ पर ट्रक्स अलाउड नहीं है रात को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक। पर रात को भी मैंने देखा है, रात को भी यहाँ पर ट्रक चलते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाए हैं कि रात को 7 से सुबह 7 बजे तक ट्रक नहीं चलेंगे। उसका कारण ये होता है क्योंकि घर है साथ में, मैं आपको दिखाऊंगा, बोर्ड भी आगे आ रहा है। तो वो घर है ना, जो घर होते हैं, इधर भी घर है काफी, इधर भी घर है, ये पेट्रोल पंप के पीछे काफी घर है, वो घर है। तो रात को जो ट्रक होते हैं वो इंजन ब्रेक यूज करते हैं या थोड़ा सा शोर करते हैं, वो घरों वाले परेशान होते हैं, तो इसलिए इस रोड के ऊपर नो ट्रक्स है रात को 7 से सुबह 7 बजे तक। जब भी हम लेफ्ट लेन लेते हैं ना तो मोस्टली ये होता है कि जो दूसरा हमारा जो ट्रेलर है वो दूसरी लाइन में ना चला जाए, क्योंकि हम जो टर्न लेते हैं हम दूसरी लाइन से लेते हैं, पहली वाली लेन से नहीं लेते। तो कभी कभी क्या होता है, दूसरी लेन से टर्न लेते लेते हमारा ट्रेलर पहली लेन में चल जाता है। तो ये देखो यहाँ पर बोर्ड है ना, 7 PM से 7 AM नो ट्रक्स, पर यहाँ पर फिर भी ट्रक आते हैं। ये है भाई हमारा ओवरसाइज का ट्रेलर, एक बार चेक कर लेते हैं और इसको रेडी करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम बताऊं, और इसको ओके सो इतना बार है तो इसको जल्दी से सेट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और साथ में बॉर्डर है 40-50 किलोमीटर के ऊपर। और अगर आप मुझे ना कमेंटों में ज़रूर बताना कि आपको बैक कैसे अच्छी लगती है, ड्रोन शॉट में अच्छी लगती है या कैमरा किसी जगह पर रख कर तब अच्छी लगती है, तो इस चीज़ को ज़रूर बताना। और यहाँ पर भी हम कैमरा लगा के बनाते हैं कभी कभी, तो वो वाला भी बताना अगर जरूर अच्छा लगता है तो, नीचे जरूर कमेंट करना। पंप के ऊपर है अभी, फ्यूलिंग कर लिया यहाँ से, और अभी है ब्रेक का टाइम हो चुका है दोपहर के 2:30 या 3 बजे के बीच में है। बारिश ने बुरा हाल कर दिया भाई रोड का, तो कुछ भी नहीं दिख रहा आगे,
काफ़ी टाइम से ऐसे ही हो रहा है और काफ़ी धीरे गाड़ी चल रही है और लगा लो कि हम 90 हाईवे के ऊपर हैं और मेरे पास अभी एक घंटा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी रुक जाऊँ क्योंकि पूरी हालत ख़राब हो गई है। 20 माइल की स्पीड के ऊपर हैं हम, अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो घंटे भी नहीं निकलेंगे। तो एक रेस्ट एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर रुक जाएँ या ना तो समझ नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। काफ़ी भाई पिक्के के ऊपर भी फ्लैट बेड चलाते हैं, इन बाइक के पास छोटा फ्लैट बेड होगा पर भाई ने लोड बड़ा उठाया हुआ है। सोचने में ऐसा लगता है कि भाई ओवरसाइज लोड उठाया है, इसका मतलब पैसा भी अच्छा बनता होगा। भाई पैसे के साथ साथ टेंशन भी ज़्यादा होती है, रात को नहीं चला सकते, स्पीड लिमिट देखनी पड़ती है, रास्ते देखने पड़ते हैं और कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मेरे पास पूरे परमिट होते हैं, हर एक स्टेट के डिफरेंट परमिट है, वो सारे परमिट हमें पढ़ने पड़ते हैं पहले कि कौन सी स्टेट में कौन से रूल है। जैसे कि हम इतनी स्पीड के ऊपर जा सकते हैं, ऐसे स्टेट में मुझे ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पर लाइट लगानी पड़ेगी, लाइट ऑन रखनी पड़ेगी, तो काफ़ी रूल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कल्ला ओवरसाइज उठा लिया तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, तो काफ़ी इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अभी है भाई सोने का टाइम, रोटी पानी खाएंगे और सो जाएंगे और यही तो एक टाइम होता है जो दिन में अच्छा लगता है, बाकी नहीं तो सारा दिन ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग। कभी कभी ना भाई रात को टाइम मिलता है, मतलब बंदे को ऐसा होता है कि हाँ भाई अभी मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा या व्हाट्सअप देखूंगा, पर कभी कभी अंदर जाके वाशरूम किया या वाशरूम वाशरूम जाते हैं और खाना पानी खाते हैं तो इतने में ही डेढ़ घंटा बीत जाता है। तो सुबह आधा घंटा पहले उठना होता है और 8 घंटे की स्लीप ही बचती है पीछे। ऐसा नहीं है कि हम इंस्टाग्राम चला सकते हैं या व्हाट्सअप चला सकते हैं, तो 8 घंटे सोना होता है। मैं सच बताऊं तो भाई कई कई भाई मुझे मैसेज करते हैं कि भाई व्लॉग क्यों इतनी लेट आता है, या कभी कभी इंस्टाग्राम के ऊपर इतना अपडेट नहीं रहा जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है काम का, शाम को भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि ड्राइव करते हैं तो आधे घंटे की ब्रेक लेनी है हमें, उस आधे घंटे में खाना पीना भी है और जब हम रात को रुकते हैं तो इसमें भी खाना पीना होता है और अंदर बाहर भी आना होता है, थोड़ा सा शावर भी लेना होता है, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। तो इसी वजह से बंदा थोड़ा सा ना सोशल मीडिया से टूट जाता है जो एक ट्रक ड्राइवर होता है। अगर काम थोड़ा सा बिजी ना रहता हो तो फिर तो नहीं, क्योंकि मैं जब किंग में काम करता था तब मेरा इतना बिजी काम नहीं था जितना यहाँ पर काम है। मुझे ब्रैम्पटन में आके ना ऐसा लगने लग गया कि यहाँ पर 24 घंटे का दिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 48 घंटे का दिन होना चाहिए। वहाँ पर नोवा स्कोशिया में 24 घंटे से चल जाता था पर यहाँ पर 48 घंटे का दिन चाहिए, काम ही नहीं यार पूरे होते यार। तो अभी दोबारा फिर से सुबह उठना है जहाँ स्लीप 12 घंटे की हो जानी चाहिए कि बंदा एक घंटा अपने आप को दे, एक आधा घंटा खाने पीने के लिए, 8 घंटे सोए और 2 घंटे फिर भी पीछे बैठते हैं। तो ठीक है, तो अभी यार सोने का टाइम, सोते हैं और सुबह मिलते हैं। हाँ जी, सो पार्किंग लगा दी है भाई, यहाँ पर रेस्ट एरिया है और मौसम बहुत ही सुंदर हुआ पड़ा है अभी क्योंकि बारिश हुई है ना और पीछे बारिश थी और यहाँ पर बारिश होके अभी ख़त्म हो चुकी है। उधर सूरज है जो वो डूब रहा है और बादल है ऊपर, कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना, लाली सी दिख रही है इसमें यार। दिल कर रहा है कि वीडियो बनाता ही रहूँ यार मैं और कुछ ना कुछ बोलता रहूँ। और अभी है मेरा सोने का टाइम, जैसे कि आप देख रहे हो हमने ट्रक लगा दिया यहाँ पर यार एक आधी रील तो बनती है यार, एक आधी रील भी बनाते हैं यहाँ पर रुक के। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि रात नहीं हुई और अभी यहाँ पर 7:30 हो चुके हैं और सुबह 5:30 बजे हमारी बुक चलेगी। रूल के अकॉर्डिंगली हम 5:45 के ऊपर हम ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 6:15 बजे सूर्य चढ़ता है सुबह यहाँ पर, तो इसलिए हम इतने इस टाइम के ऊपर सुबह ड्राइव स्टार्ट कर देंगे तो हमारी बुक बिल्कुल पूरा पूरा टाइम है। और लाइट हमारी बंद हुई पड़ी है भाई, और भाई टिकट दिलवाएगी तू मेरे को, बारिश हो रही थी ना तो इसलिए ये बंद हो गई। सुबह हो चुकी है अभी, तो निकलते हैं यहाँ से
ट्रक हमारा रेडी है निकलने के लिए। लोड मैंने चेक कर लिया और 15 मिनट की प्री ट्रिप पहुंच चुकी है हमारी, और यहाँ से 4.5 घंटे की ड्राइव है और 6:15 हो चुके हैं, तो उम्मीद है 10:30 पहुंच जाएंगे। अगर सुबह जब भी आप ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक बार टग टेस्ट जरूर करो। जिन भाइयों को टग टेस्ट के बारे में नहीं पता, तो भाई टग टेस्ट होता है कि ट्रेलर की ब्रेक लगा के ट्रक को आगे तोड़ना, जिससे पता चल जाए कि कोई रात को ना कोई शरारती बंदे होते हैं या होमलेस होते हैं, वो ये वाला लॉक खोल जाते हैं और ट्रेलर नीचे गिर सकता है कभी भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो डिलीवरी होगी डन यहाँ से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हम लोड सीधा लेके आते हैं ना ट्रेलर के ऊपर रख के, वो वाला सामान मोस्टली बाहर डिलीवर होता है। जो टारप वाला लोड होता है वो मोस्टली वेयर हाउसों के अंदर होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर उसको ट्रक के ऊपर टारप डाल के लाए हैं, बचा के लाए हैं, तो वो अंदर ही रुकेगा। जो सीधा लोड हम लेके आते हैं बिना टारप के, वो मोस्टली बाहर होता है। तो पिकअप हमें आ चुकी है, पिकअप हमें शिकागो से उठानी है। वहाँ से मुझे लगता है मैंने पहले भी लोड उठाया, मैंने अभी लोकेशन डाल के नहीं देखी, लोकेशन डाल के देखते हैं। शिकागो में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और अभी चलते हैं लोड उठाने के लिए। अभी है हम भाई 94 हाईवे के ऊपर। ये वाला जो हाईवे है ना, ये बिल्कुल न्यू ब्रांसविक के हाईवे जैसा है। मैंने आपको काफी बार बताया है कि न्यू ब्रांसविक वाला हाईवे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि वहां पर इतना ट्रैफिक नहीं होता और यहां पर भी ऑलमोस्ट रोड बिल्कुल सीधा है, और ये 500-600 किलोमीटर ऐसा ही है बिल्कुल सीधा रोड, और बहुत ट्रैफिक भी बहुत कम है यहाँ पर। और मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो जो रेस्ट एरिया भी रास्ते में बहुत आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रोड काफी बढ़िया है ये 94 हाईवे जो शिकागो से विस्कॉन्सिन को जाता है। वैसे एक बात तो है भाई, ट्रैकिंग करके ना बंदा सारी स्टेट्स घूम लेता है। मुझे लगता है कि ट्रैकिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम सारा जो भी एरिया हम घूमना चाहते हैं वो सारी एरिया घूमा जा सकता है। वैसे हमको इतना मजा नहीं आता भी घूमने के लिए, हम कोई सिटी में नहीं जाते, बस एक ट्रक में होते हैं, बस आंखों से देख रहे होते हैं कि ये वाले रोड है ये वाला। एक ना एक मैंने एक चीज नोट की है, हरेक जगह का एक अपना थीम होता है। एक थीम कहने का मतलब, अगर आप कैलिफोर्निया को जाओ तो वहां का थीम एक अलग थीम है, अगर आप ब्रैम्पटन वाली ट्रंटो वाली साइड पे जाओ वहां पे एक अलग थीम है, जैसे ग्रीनरी वाला थीम आ जाता है। एरिजोना में पहाड़ियां जाती है, न्यू मेक्सिको में रेड रेड सा थीम हो जाता है, वहां पर रेड पहाड़ियां हैं थोड़ी बहुत, और ऐसे ऐसे मेरे हिसाब से ना थीम चेंज होता रहता है, तो बंदा अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है। वैसे मैं बादल ताऊ, मैंने कोई सिटीज नहीं घूमी बड़ी, जहां जहां पर भी हम जाते हैं सिर्फ हम लोड उतारते हैं और वापिस आ जाते हैं। ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट जो यूएसए की ऑलमोस्ट सभी स्टेटें मैं गया हुआ हूँ, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा को छोड़ के। पहले मैं विस्कॉन्सिन भी नहीं गया था, मैं विस्कॉन्सिन अभी पहली बार आया हूँ। पर ऐसे ही बंदा ना सारी जगह पे घूम लेता है, जिधर मर्जी आप चले जाओ सब तरफ की गेड़े निकलते हैं। आप जो जिस साइड को जाना चाहते हो वैसी कंपनी में आप हायर हो जाओ, उस साइड को आपके गेड़े मिल जाएंगे। हर बार नई सिटी होती है, हर बार नई स्टेट होती है, तो ऐसे ही काम चलता रहता है भाई। अगर आप वैसे घूमने फिरने के शौकीन हो, ड्राइविंग के शौकीन हो, तो ट्रैकिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको घूमना फिरना या बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, तो ट्रैकिंग आपके लिए नहीं बनी, तो इस बात का ध्यान रखो। गूगल देखता रहना चाहिए। जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है ना, ये हाईवे है, तो इस हाईवे से हम जा रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पर देखो कितना रेड रेड है, यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है, तो इसने हमें शहर में से निकाल दिया। तो मैं शहर के बीच में से जा रहा हूँ, और तो हम इस रूट से जाते हैं। शिकागो में ब्रिज देखो यार, अगर बंदा पहली बार आए तो घबरा जाता है। ये वाला ब्रिज देखो आप, अरे बाप रे बाप, क्या बात है यार। इसी को तो बोलते हैं भाई शिकागो, क्योंकि पुराना बसा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो ब्रिज है वो काफी छोटे हैं और काफी डाउन है। और वो एक सामने ब्रिज है और आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब भी मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। जब मैं पहली बार आया था ना, तब मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था कि यार ये ब्रिज छोटा ना हो, पर एक ब्रिज जाता है जो काफी छोटा है, ऊपर से हाइट में काफी छोटा है, तो उस ब्रिज में से हम नहीं निकल सकते। तो वहां से जो ये वाला जीपीएस हमें बता भी रहा है कि यहाँ से ट्रक नहीं गुजरेंगे,
तो वहां पर जाके हमें लेफ्ट ले लेनी है और ऊपर से घूम के उस लोकेशन के ऊपर जाना है। यहाँ से सीधा जाते जाते 5 किलोमीटर तक हमारी लोकेशन है। ये वाला ब्रिज देखो यार, मतलब पता ही नहीं चलता, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 14, इससे पता चलता है कि हाँ भी ये 14 का है और हमारा जो ट्रक है गुजर जाएगा इसके बीच में से। क्या बात है यार, ऑलमोस्ट हर इंटरसेक्शन के ऊपर रेड लाइट कैमरा है। ये रहा रेड लाइट कैमरा, तो अगर हम रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो ये वाला कैमरा हमारी पिक्चर खींच लेगा और घर पे टिकट आ जाएगी हमारे। देखने में ये वाला भी छोटा लगता है पर ये इसकी हाइट भी 14 है, तो 13-6 में से हम अपना ट्रक निकाल सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ये वाला 14 था। तो ये आ गया भाई जो ब्रिज जहाँ से हमारा जो ट्रक है वो नहीं निकल सकता। ये सामने देख रहे हो ना, ये यहाँ से तो हम निकल सकते हैं, सामने का ट्रक भी जा रहा है, देखो यहाँ से हम निकल सकते हैं। ऊपर से मेट्रो ट्रेन जा रही है, उसके आगे वाला है ना जो आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, ग्रीन लाइट के बाद आ रहा है जो, वहां से ट्रक नहीं गुजरते। और जो ट्रक का साइन भी आ गया कि नो ट्रक, ये आप देख रहे हो खंबे के साथ। तो यहाँ से वैसे GPS तो बोल रहा है कि सीधा जाने दे, पर हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेके ऊपर से घूम के आएंगे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, राइट लेके यहाँ से घूम के हम लोकेशन में आएंगे। ये वाला सामने ब्रिज है ना, ये 13 का है, यहाँ से हमारा ट्रक नहीं गुजरेगा। अगर आप किसी बड़ी सिटी में आ रहे हो तो GPS हाईली रिकमेंडेड है, GPS अपने पास जरूर रखो। हमें टर्न भी लगता है यहाँ से ऊपर से उठा के लेनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ियां वो बहुत आगे तक है। तो यहाँ से टर्न ले लें, आ गया हमारा ट्रेलर। हाँ जी, तो पार्क लगा दिया है यहाँ पर हमने ट्रेलर, और मैं आपको दिखाता हूँ काफी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पर। ये देखो जैसे पुराना बसा है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया वो वाली बिल्डिंग देखो कितनी पुरानी लग रही है। तो यहाँ पर पार्किंग लगा दी है। अभी हो चुके हैं भाई यहाँ के 6 बजे और हमारी जो अपॉइंटमेंट है 9 बजे की है। यहाँ पर हमने स्लीप डाल ली, 6 बजे स्लीप डाली है, तो सुबह 4 बजे बुक चलेगी और ये अपने आप हमको उठा लेंगे रात को 9 बजे। अभी 6 बजे हैं तो 3-4 घंटे सो लेते हैं, पिकअप के बाद फिर से सो जाएंगे। यहाँ से हमें ये वाली पाइपें उठानी है और टार्प लोड है। पिकअप हो चुकी है यहाँ पर, जैसे आपने देखा टाइम लैप्स में। तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना आज पूरी, मेरे को तो चक्कर आ रहे थे। मैंने सोचा कि यार लूट रहे, GoPro की बैटरी लो होगी और वो बंद हो गया अभी, तो हमने फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ अभी। और अभी हम पंप के ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, यहाँ पर ही पार्किंग लगा के सोते हैं, जहाँ तो रोड के ऊपर देखता हूँ जहाँ अगर इन्होंने फोन पे भी अलार्म बज रहा था इसलिए वीडियो बंद होगी। तो यहाँ पर पार्किंग देते हैं, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो रोड के ऊपर लगा के सो जाएंगे क्योंकि सुबह 3 बजे बुक चल पड़ेगी और कोई इतना रास्ते में इतना ये जो रोड है इतना ज़्यादा चलता नहीं रात को। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और गर्मी ने जान निकाल दी, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।